2030 का भारत, 2030 के बारे में हम तीन मुद्दों पर बात कर रहे हैं, गरीबी, भुखमरी और शिक्षा। इन तीनों ही मुद्दों को लेकर हम लगातार नए नए चेहरों से बात करते आ रहे हैं। और आज जो चेहरा हमारे साथ मौजूद है उनके बारे में बता दूं कि वो राष्ट्रीय सिख संघ के लीडर हैं और राजस्थान हाई कोर्ट के एडवोकेट भी हैं। काफी जाने माने केसेस लड़ चुके हैं और उनका नाम है मिस्टर गुरुचरण सिंह गिल। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। तो सर, जैसे कि हम 2030 के भारत पर बात कर रहे हैं, 2030 का सपना लेकर चल रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि 2030 में आप भारत देश को कहाँ देखते हैं, गरीबी, भुखमरी और शिक्षा के पैमाने पर? ऐसा है, पहले तो जो भारत है वो प्रतीक है हमारी सांस्कृतिक विरासत का, आध्यात्मिक उच्चता का। पहले मैं उसको उस दृष्टि से देखता हूँ, और वो सारी आर्थिक पक्ष भी जो है साथ ही साथ देखना होता है, उस नाते हमको विचार करना चाहिए। मैं सोचता हूँ कि जब देश की आजादी की लड़ाई लोग लड़ रहे थे, उस समय जो आर्थिक पक्ष ये था कि हमारे देश के जो संसाधन है बहुत ही पुष्ट हैं, अधिक हैं, इसलिए तो भारत सोने की चिड़िया था संसाधनों के कारण। और चूंकि विदेशी सत्ताएं हमारे संसाधनों का दोहन करती थी, इसलिए आर्थिक पक्ष से ये लड़ाई का ये भाग था। लेकिन हुआ क्या है, आप देखिए कि कितनी दुखद बात होती है कि देश को 75 साल हो गए और आज भी सरकारों को लोगों को भूखे ना मर जाए इसलिए फ्री अनाज देना पड़ता है। इससे जी दुखद शर्मनाक बात इस लोकतंत्र में, जिसे हमने हम भारत के लोगों ने स्वीकार किया है, उन लोगों ने जिन्होंने राजनेता थे उन्होंने सही दिशा नहीं दी, उन आर्थिक एंटरप्रेनर्स ने, उद्यमियों ने, जिनसे अपेक्षा की जाती थी कि वो रोजगार सृजन करते, विकास करते, लेकिन उन्होंने आज भी देश को इस स्थिति में ला दिया है। हमको फ्री वीक जिसको लोग कहते हैं, उसके कारण हमको बिजली फ्री देनी पड़ रही है, अनाज फ्री देना पड़ रहा है। और दुखद बात क्या कि अनाज ना बांटा जाए तो लोग भूखे मर जाए, तो ये एक बहुत ही शर्म और दुखद बात। सर, अगर देश की ये स्थिति है कि मुफ्त में राशन देना पड़ रहा है, मुफ्त में बिजली देनी पड़ रही है, अगर ये ना बांटा जाए, ना दिया जाए, तो लोगों का गुजारा मुश्किल हो जाता है, तो क्या 2030 तक भारत शून्य गरीबी और शून्य भुखमरी के पैमाने पर पहुंच पाएगा? ऐसा है कि देखिए कि ये सारा राजनीति नेतृत्व पर निर्भर करता है, क्योंकि आज के समय वैसे भी कभी भारत में राज्य सत्ता का इतना भाव अधिक वो नहीं होता था। आम समाज स्वयं ही खड़ा होता था और उसी हिसाब से विकास होता था, लेकिन व्यवस्थाओं के तहत राजनीतिक सत्ता का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, कह दो रोल कह लीजिए, वो आ गया है। इसलिए सरकार की जो योजना है उसमें ही हो सकता है। और मेरा कहना है कि देखिए, आप लोगों को काम दीजिए, रोजगार दीजिए। हुआ क्या, हमने उदारीकरण किया, कोई बात नहीं, विकास के लिए उदारीकरण करना पड़ता है, लेकिन हमारे देश के उद्योग धंधे थे वो सारे खत्म हो गए। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बहुत विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष करके किसी भी प्रकार जीवित है। और यहाँ से बड़ा दुखद पहलू है, ये नंगा सच है कि आज हमारे बहुत सारे व्यापारी चाइना से सस्ता माल तैयार करा कर यहाँ सप्लाई कर रहे हैं। दे बिकेम द ट्रेडर्स, इंटरप्रेनर नहीं रहे लोग, उद्यमी उद्यमी नहीं रहे। ये बड़ा दुखी की बात है। अगर जब तक कारण क्या है कि इन्फ्लेशन क्या है, जब हमारा नेशनल उत्पादन जी हो जाता है तो वास्तव में जो हमारी पूंजी होती है उसकी कीमत डिवेल्यूशन होता है। हम अगर उत्पादन बढ़ाएंगे तो निश्चित ही हमारे रुपए की कीमत बढ़ेगी। कभी 1947 में $1 और 1 रुपया बराबर था, हमने कहाँ चले गए। आज हम स्थिति क्या, कि हमको बड़ा खुशी होती है कि 10 पैसे ऐसा खड़ा रुपया खड़ा हो गया। तो ये एक विचार करने की बात है देश के उन लोगों के लिए जिन्होंने नेतृत्व दिया है, चाहे उद्यमी के नाते, प्रशासनिक के नाते। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मैं चूंकि गवर्नमेंट में भी रहा, मुझे लगभग 11वां साल एडिशनल एडवोकेट जनरल के नाते मैं ब्यूरोक्रेट्स को देखता हूँ, संगठन के नाते मैं मजदूर लीडर भी रहा, भारतीय मजदूर संघ का राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष रहा, उस दृष्टि से भी देखा, तो मैंने ये देखता हूँ, आम आदमी के नाते भी सोचता हूँ कि वास्तव में आम आदमी की स्तर को बढ़ाने के लिए, उनका जीवन स्तर बढ़ाने के लिए प्रयास नगण्य हुए हैं, बल्कि उनके साथ धोखा दिया जा रहा है उनके नाम पर। आज क्या कि पहले पाप और पुण्य होते थे,
आज पुण्य के नाम पर भी बहुत सारी कैटेगरी हो गई है, देखने में मैं पुण्य कर रहा हूँ लेकिन मैं अपना घर भर रहा हूँ, चाहे वो राजनेता है चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स है। ब्यूरोक्रेट्स भी स्थिति क्या, मैंने देखा एक बात मैं आपको बताऊं, कोरोना के दौरान मुझे गांव में रहना पड़ा क्योंकि डॉक्टर ने मना किया था। मैंने देखा बड़े से बड़ा जमीन वाला व्यक्ति अगर उसके परिवार में कोई नौकरी नहीं करता है तो आज भी पक्के घर में तो आ गया है लेकिन उसकी कोठी नहीं है। और एक गांव का एक पटवारी जो होता है, अगर एक गांव का चपरासी जो नौकरी करता है उसका घर का पक्का होता है, कोठी होती है, कहाँ से आ गया? इसका मतलब हमारे ही संसाधनों का, जो देश के संसाधन है, हमारे समाज के, भारत के लोगों के संसाधन है, उनको बेवजह तरीके से लूटा जा रहा है, अपना घर भरा जा रहा है। ये भ्रष्टाचार चरम सीमा तक देश के अंदर है और बड़ी पीड़ा होती है मन में कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो मतलब आपकी बातों से तो सर ऐसा लग रहा है कि आप ऐसा कहना चाह रहे हैं कि आज जैसी स्थिति है देश की 2030 तक बेहतर पैमाने पर नहीं पहुंच पाएगा देश। ऐसा कि आशावादी तो मैं हूँ, तो जीवन में आशा होता है, मैं नेतृत्व पे अपेक्षा भी करता हूँ। कम से कम हमारे जो नरेंद्र मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री हैं, उनके बारे में एक बात निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि उनके चिंतन में, उनके क्या नाम है, विचारों में व्यक्तिगत आर्थिक स्वार्थ नाम के तो कोई बिंदु नहीं। वो कोई भी ऐसा काम नहीं करते, एक प्रतिष्ठा प्राप्त करना, एक समाज रिकॉग्निशन प्राप्त करना, ये मानवीय स्वभाव हो सकते हैं, लेकिन आर्थिक लाभ के लिए उनका नहीं कहीं भी लगता है उन्होंने किया है। इसलिए अगर उस ओर ले जाएंगे और अगर वो वरीयता रख देंगे तो निश्चित ही होगा कि देश अच्छी स्थिति में जा सकता है। यहाँ पर जैसे आपने बात कही कि अनाज मुफ्त में बांटा जा रहा है, तो उसमें ये बात निकल के आती है कि मुफ्त में राशन, जब इलेक्शन आते हैं तो मुफ्त में बहुत सी रेवड़ियों के ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे, अलग अलग राजनीतिक पार्टियां देती रहती हैं, तो इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं हो सकता है क्या? आखिर आपने खुद कहा कि सिचुएशन ऐसी आ गई है कि मुफ्त में देना पड़ेगा, लेकिन क्यों, इसके पीछे कुछ और सोल्यूशन ही निकल सकता है क्या? अंत में आपने मेरी बात को कह दिया, मेरी पीड़ा को। मेरा ये विरोध नहीं है कि अनाज मुफ्त बांटा जा रहा है या कुछ चीजें मुफ्त दी जा रही हैं। मेरा तो पीड़ा ये है कि देश के 75 वर्ष हो जाने के बावजूद भी आज हम भारत के नागरिक जिन्हें कहते हैं, जिनके संसाधनों का अधिकार है, उन लोगों की आज स्थिति ये हो गई कि अगर आप अनाज ना दे तो भूखे मर जाए, तो ये अच्छी स्थिति नहीं है। मैं केवल उस पक्ष को रखना चाहता हूँ, मुफ्त बांटने का विरोध नहीं कर रहा मैं, परिस्थिति ऐसी उन बांटने तक आपने ला दिया लोगों को कि वो सर विपक्षी दल तो कहता है कि, विपक्षी दल तो कहता है कि 10 साल में क्यों कुछ नहीं बदल लिया, अगर हमने इतने सालों में खराब किया है तो 10 साल में क्यों नहीं अच्छे चेंजेस आ गए? ऐसा है कि मैं राजनीतिक विश्लेषण तो नहीं करना चाहता, लेकिन मैं लंबे समय से चूंकि मैं सार्वजनिक जीवन में रहा हूँ, विद्यार्थी जीवन से खड़े थे, लेकिन इस वर्तमान सरकार के अंदर जो लोग हैं उनमें एक चारित्रिक उच्चता अपेक्षाकृत ज्यादा है ना, इसलिए वो कोशिश कर रहे हैं और उनका प्रयास रहेगा तो निश्चित ही एक अच्छी चीज सामने आएगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। सर शिक्षा की बात करते हैं क्योंकि शिक्षा भी एक मुद्दा है जिस पर हम लगातार बात करते आ रहे हैं, और जाहिर है कि अगर शिक्षा का स्तर बेहतर होगा तो बाकी चीजों में भी बेहतरी देखने को मिलेगी, तो शिक्षा को लेकर आपके क्या ख्याल है? जो इस वक्त भारत देश में शिक्षा मिल रही है, क्या वो शिक्षा एक बेहतर शिक्षा कंसिडर की जा सकती है? ऐसे कि देखा जाए तो किसी भी लोकतंत्र में या किसी राज्य सत्ता भले तानाशाही क्यों ना हो, उससे जो आवश्यकता की महसूस की है, रोटी कपड़ा मकान एक साधारण चीज है, उसके बाद आती है शिक्षा और चिकित्सा। आप देखिए दूसरे इसका दूसरा पहलू क्या होगा, जितना कमर्शलाइजेशन शिक्षा का हुआ और जितना कमर्शलाइजेशन चिकित्सा का हुआ है, ये सरकार की नीतियों का दोष है कहीं ना कहीं। क्यों कि हमने देखिए सबसे अच्छा अध्यापक सरकार की नौकरी में चयनित होकर आता है, लेकिन हम आम आदमी की मानसिकता भी इतनी गिरी हुई है, मैं कहता हूँ उनको लगता ही नहीं कि देश मेरा है, इस समाज के लिए मेरी भी कोई जिम्मेवारी है, उनकी मानसिकता गिरी हुई है कि वो अध्यापक पढ़ाता ही नहीं है। एक साधारण सा अध्यापक को जिंदगी में कभी नौकरी नहीं मिली, वो प्राइवेट स्कूल में जाकर बच्चों के अच्छे परिणाम देने के लिए वातावरण बना देता है, लेकिन सरकारी जो बेस्ट
वो है, इसी प्रकार के चिकित्सा का हाल है। आपने उद्योगीकरण कर दिया, शायद नहीं ये औद्योगिकरण हो गया चिकित्सा और शिक्षा का, और लोग पैसा कौन बना रहे, समय नहीं है, नहीं तो मैं सारे आंकड़ों चाहे तो बता सकता हूँ कि किस तरह सरकार की नीतियों का भी दुरुपयोग किया जाता है। अभी मैं आपको बताऊं कि सरकार ने ये योजना बनाई कि इंश्योरेंस करेंगे, पर हो क्या रहा है, इलाज नहीं हो रहा, धंधा हो रहा है। एक व्यक्ति मेरा फ्री इलाज चलता है, मुझे सरकार की नीतियों का दुरुपयोग हो रहा है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि दुरुपयोग कर कौन रहा है, कौन जिम्मेदार है आखिर इसके लिए, क्योंकि सरकार तो लगातार नई नई योजनाएं लेके आ रही है, ठीक है, लगातार योजनाओं का लाभ भी मिल रहा है लोगों को, फिर भी दुरुपयोग होता नजर आ रहा है, विकास उस लेवल का दिखाई नहीं दे रहा है, जिन जरूरतमंदों को चीजें कई बार मिलती नहीं है, वंचित रह जाते हैं, तो दुरुपयोग करने का जिम्मेदार कौन है? ऐसा व्यवस्था जिसमें सामूहिक रूप से सभी जिम्मेदार व्यक्ति भी है। मैंने जो आपको कहा कि अध्यापक बनता है, चिकित्सक बनता है, लेकिन अपना बड़ा एस्टेब्लिशमेंट खड़ा करना चाहता है, सेवा की बात नहीं करता। अध्यापक अच्छे नागरिक तैयार नहीं करता, अच्छा विद्यार्थी तैयार नहीं करता, और जो सरकार है इस पर मॉनिटर नहीं कर देती है, सब होने दे रही है। उनको क्या प्राथमिकता इस प्रकार की बढ़ गई है कि उनको सत्ता में कैसे बना रह सकता है, उसके जोड़ तोड़ में सारी अपनी शक्तियां अपनी समझ और लगानी पड़ रही है, बजाय इसके कि ये सोच लें कि दोबारा हम सत्ता में आए या ना आए, पर एक बार हमको अवसर फिर भारत के लोग दिया है तो हम अपनी प्रेस्टीज अपनी उसकी कीमत पर भी भला करेंगे आम आदमी का, ये मानसिकता होगी तो निश्चित ठीक। जी सर, क्योंकि राजस्थान से आप बिलोंग करते हैं, राजस्थान की स्थिति जानना चाहती हूँ मैं आपसे कि राजस्थान में अगर मैं बात करूँ तो गरीबी के क्षेत्र में क्या स्थिति, क्योंकि अक्सर राजस्थान के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर सूखा भी पड़ जाता है, इस वजह से काफी ज्यादा समस्या होती है लोगों को, तो वहाँ क्या स्थिति है अगर हम 2030 तक देखें तो राजस्थान कहाँ दिखाई देगा हमें? ऐसा ही कभी राजस्थान बीमारू राज्य में होता था, जी लेकिन अपने मैंने कहा ना मैं मजदूर क्षेत्र में, तो मेरा दूर ग्रामीण क्षेत्र हर राजस्थान के हर हिस्से में जाने का मौका मिलता है, उसमें बहुत विकास हुआ है। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप हुआ, आप देखिए कि उसके कारण से सड़कों वगैरह से आवागमन के साधन से देश का विकास होता है, क्योंकि नशे है खून की, जो अच्छी तरह खून बहता है स्वास्थ्य स्वास्थ्य अच्छा रहता है। दूसरा इसमें ये भी हुआ कि आप देखें कि बिजली की का भी यहाँ अच्छा उत्पादन होता है, हम सारा कर रहे हैं, इसलिए राजस्थान विकास कर रहा है। तीसरी बात यह है कि राजस्थान की जो मानसिकता है ना वो अति भौतिकवादी नहीं है, इसलिए जो उनके पास है उसको ही तरीके से विचार करके अपने खर्चों को सीमित करके अपने सारे को करते हैं, तो राजस्थान एक अच्छे विकसित राज्य में हो जाएगा। और जिनको भौतिक आकांक्षा है वो लोग कमजोर हो रहे हैं, जैसे पंजाब सबसे बड़ा उदाहरण है, जो सबसे ज्यादा जितनी आय थी आज दिखावेबाजी के कारण पंजाब जो है ना बहुत गरीब स्थिति में पहुंच गया है, और पहले चूंकि पंजाब में विदेशों से पैसा आता था इसलिए पता नहीं लगता था। सर आप कह रहे कि राजस्थान विकास कर रहा है, मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी, आप भी शायद जानते होंगे, एक रिपोर्ट सामने आई है चाइल्ड ट्रेडिंग के केसेस साउथ राजस्थान में, सदर्न राजस्थान का जो इलाका है वहाँ चाइल्ड ट्रेडिंग के केसेस बहुत ज्यादा, मतलब पिछले एक साल में लगभग 7 केस है जो ऑफिशियली रिपोर्ट में सामने आया है कि लोग, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं होता है, गरीबी के चलते मजबूरी में लोग अपने बच्चों को अमीर लोगों को बेच देते हैं, तो अगर ऐसी स्थिति है तब गरीबी के चलते लोगों को अपने बच्चों को बेचना पड़ रहा है, तो फिर हम क्या समझें? ऐसा मेरा सोचना है कि नैतिकता और गरीबी का आपस में बहुत ज्यादा रिश्ता है, नैतिकता और मानसिक स्थिति है। आप देखिएगा गरीब लोग इतने भ्रष्ट नहीं है, जो पैसे वाले और भ्रष्ट हैं वो उनको इस तरह के प्रलोभन देकर उनका दोहन करते हैं, वरना आम आदमी ममता की दृष्टि से राजस्थानी लोग अभी भी परंपरावादी हैं। और रिपोर्टेड के ये रिपोर्टिंग भी एक पॉलिटिक्स है, मैं आपको बताऊं ये भारत की छवि विदेशों में खराब करने वाले लोग भी हैं, और भी कई कारण है, मैं पूछ क्या भी जानता हूँ, विषय समय नहीं है, ये सारी हाईलाइट दूसरी कारण भी होता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सर, क्योंकि समय की कमी, एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी और जल्दी से आपसे उस चीज का जवाब चाहूंगी कि एक आम आदमी का 2030 के भारत में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, क्योंकि सरकार तो अपने स्तर पर काम कर रही है लेकिन 2030 का भारत सपना
सिर्फ सरकार पर निर्भर रहकर पूरा नहीं हो सकता, सबका सबका सपना होना चाहिए। ऐसा ही मेरा सोचना है कि आम आदमी जब समाज के लिए समर्पित नहीं होगा, तो मैं अपना ही प्रयोग बताऊं, मैं हमेशा कुछ बच्चों को गोद लेता हूं। गोद लेने का मतलब यह है कि भी उनकी मुझे हमारी नौकरानी है, जैसे हमारी अड़ोसी पड़ोसी कोई है गरीब है, घास काटने वाला हमारे यहाँ पार्क की काम करती है, उनके बच्चों के हम कम से कम स्कूल की पढ़ाई के हम खर्चा अपने आप से वहन कर लें, तो हम उसको दे सकते हैं, छोटा उसको संस्कार दे सकते हैं, तो निश्चित ही भारत का विकास होगा। क्योंकि हम सारे चोर, एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि एक बार मेरा निजी घटना है कि एक गुंडे बदमाश ने 15 अगस्त के दिन सारा बाजार बंद करवा दिया और लोग इकट्ठे होकर ये कह रहे थे कि पुलिस वाला नहीं आया, पुलिस वाली क्यों नहीं आई, सरकार क्या कर रही है। मैंने वो डंडा उसका पकड़ के ना उसको दिखाया, भाग गया। हम क्या कर रहे हैं ये देखने की बात है, हम क्यों तमाशबीन बने, सरकार से सारी अपेक्षा करें, हम कुछ बच्चों को गोद लें, कुछ बच्चों को आर्थिक स्तर उठाएं, तो निश्चित ही भारत विकसित होगा। तो जब तक नई पीढ़ी आर्थिक रूप से सक्षम नहीं बनेगी, कितने फ्री भी बांटिए, भारत गरीब ही दिख रहे। बिल्कुल सर, सर बिल्कुल आपकी इस बात से मैं एकदम सहमत हूँ कि मुफ्त में चीजें बांटने से इंसान कहीं ना कहीं और आदत हो जाती है फिर मुफ्त का चीजें खाने की। तो जब तक आर्थिक रूप से सक्षम नहीं बनेगा देश, तब तक देश सफल नहीं बनेगा। और उस देश को सफल बनाने में हर एक इंसान की भागीदारी होनी चाहिए, देश के हर एक नागरिक की भागीदारी होनी चाहिए, तभी जो 2030 का सपना है वो साकार हो पाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे साथ जुड़े, अपना समय हमें दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद, आपने मेरी मन की बात कहने का मुझे मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Thank you.